नाज़रीन, इस वक्त समुद्री तूफान कराची के करीब पहुंच गए। ये असरात आप देख सकते हैं, कराची में काली घटाएं छा गई हैं। इस वक्त भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। समुद्री तूफान कराची से 200 किलोमीटर दूर है, जबकि केटी बंदर से 150 किलोमीटर दूर है। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कराची के साहिल समंदर पर इस वक्त क्या सूरत हाल है। समंदर का पानी बाहर आना शुरू हो गया। ये देख रहे हैं कितनी ख़तरनाक लहरें आ रही हैं। पाबंदी के बावजूद लोग पहुँचे हुए हैं, जो किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। नाज़रीन, तूफ़ान जो है बहुत स्लो जा रहा है और इस वक्त वो कैटेगरी वन में है और वो आहिस्ता आहिस्ता केटी बंदर और इंडिया गुजरात से टकराएगा। इम्कान है कि वो आज रात गए तक समुद्री तूफ़ान केटी बंदर से टकराने के बाद सिंध और इंडिया का जो बॉर्डर है उसकी तरफ मूव कर जाएगा और फिर लो प्रेशर में बदल जाएगा, जिसके बाइस आने वाले जुम्मे और हफ्ते को भी सिंध के साहिली इलाकों में शदीद तूफ़ानी बारिश होगी, गरज चमक होगी और कराची में भी शदीद हवाएं चलेंगी। इस वक्त नाज़रीन, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। यह आप पेरिया टाउन से कराची के ताज़ा तरीन मनाजिर देख सकते हैं, जबकि ये देख सकते हैं दो दरिया में। ये देखें कि इस वक्त समंदर कैसा बिखरा हुआ है। हमने गुज़श्ता रात भी आपको एक फुटेज दिखाई थी हॉक्स पे की, ये अब दो दरिया की ताज़ा तरीन फुटेज है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इस वक्त समंदर की क्या हालत हुई हुई है। और सिंध के अगर दिगर शहरों की बात करें तो ठट्टा, बदनी, नौशेरो, हैदराबाद, मीरपुर खास में भी इस वक्त तेज़ हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। जबकि दूसरी जानब हुकूमत ने साहिली इलाकों से लोगों को मुंतकिल कर दिया है और पाक फौज के दस्ते साहिली इलाकों में तैनात कर दिए गए हैं। नाज़रीन, ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और साइक्लोन की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।